उस दिन गैलरी में उनकी फैमिली बैठी थी, उनकी बेटियों के मुतल्लिक जो है ये बड़ी मुसद्दका खबरें हैं कि वो बैठी और उन्होंने उस वक्त जो है वो यानी नारे बुलंद किए जब मियां नवाज शरीफ को नाहल करने का जो है वो फैसला सुनाया। आसफ सईद खोसा साहब की फैमिली से मुतल्लिक जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो होती रही है। एक सिटिंग जज है जो कि तीन मेंबर बेंच में शामिल हैं, उनके बेटे और उनकी फैमिली का जो है ये बात बड़ी आम है कि वो भी जो है वो पीटीआई के बड़े सरगर्म रुकन हैं। तो मेरी इस बारे में अभी फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जी देखें जी एजेंसियां क्या कर रही हैं, कोई महफूज नहीं है, अब घरेलू खवातीन जो है वो महफूज नहीं है उनका सियासत से। वो भाई अगर घरेलू खवातीन जो है वो ये सियासत करेंगी, वो अपने जो है वो लोगों को पार्टी के लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगी कि तुम अब इस तरह से जो है वो गद्दारी में लपेट दो, सबको गद्दारी का बयानिया जो है वो चला दो, या फाइलों को साइन करने के लिए वो कहेंगी कि नहीं पांच करात की हीरे की अंगूठी चाहिए, तीन की जो है वो नहीं चाहिए। और जब वो मुल्क का जो सबसे इस वक्त पूरी कौम की नजरें जिस केस के ऊपर है उस केस के ऊपर जो है वो तबसरे करेंगी और उस केस से जो है वो जजेस को मंसूब करके वो गुफ्तगू करेंगी, तो फिर भाई ये चीजें जो है ये किस तरह से आप कहते हैं कि ये चीजें जो है ये घरेलू खवातीन है? घरेलू खवातीन को तो भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। घरेलू खवातीन को तो ऐसे केसेस के ऊपर ना तो किसी को मशवरा देना चाहिए, ना किसी को उभारना चाहिए, परसुएट करना चाहिए। यानी इस गुफ्तगू में जो है वो एक मोहतरम जज को जो है वो परसुएट किया जा रहा है कि आप ये फैसला करें और साथ अपनी बुजुर्गी का अपने रिश्ते का जो है वो वास्ता दिया जा रहा है और उसको असरअंदाज जो है वो किया जा रहा है। तो फिर ये गुफ्तगू जो है ये तो घरेलू गुफ्तगू नहीं है, इस किस्म की गुफ्तगू का घरेलू खवातीन से कोई तलक नहीं है। और अगर वो ये गुफ्तगू करती हैं तो फिर दो ही चीजें, आप इस बात को ठीक है इस बात को आप क्वेश्चन करें कि जी ये किसी ने क्यों टेप की, इसका भी हिसाब होना चाहिए और जिसने ऑडियो बनाई है उसका भी हिसाब होना चाहिए। लेकिन आप सामने आए और आप शको शुबा से बालातर होने के लिए जो है उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, आप या तो कहें कि ये गुफ्तगू दुरुस्त है, ऐसा ही हुआ है, ये गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो है इसको रिकॉर्ड क्यों किया गया, तो ठीक है इस क्यों का जवाब जो है वो हम देंगे। इस क्यों का जवाब जो है वो जो है वो जिसने की है उसे लिया जाएगा, उसकी जो सजा मिलती है वो भी दी जाएगी। लेकिन अगर ये दुरुस्त है तो फिर इस गुफ्तगू का जो असर है, जो इस गुफ्तगू की जो यानी सूरत हाल है उसके ऊपर आप बताएं कि फिर इस बात का क्या तुक बनता है।